वालेकुम दोस्तों, हम लाए हैं एक और नया एपिसोड। और ये एपिसोड हमने किस पर बनाया है जो हर बच्चों को बहुत पसंद होती है, और इसका क्या नाम है? ईद, जो कि बहुत बहुत बच्चों को पसंद है। और तो हम ईद स्पेशल स्टोरीज बनाने जा रहे हैं, और अगर आपको हमारे साथ स्टोरीज बनानी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, ऐसा होना चाहिए सब्सक्राइब का बटन। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आपको एक बहुत बड़े एक मुसलमान कार्टून की स्टोरी बताने वाली हूँ, जो हर वक्त बहुत अच्छी अच्छी बातें करता, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता और बहुत अच्छी बातें वो बताता भी, और सब देखते हैं ये। और अगर आपको इनकी स्टोरी समझ में आ गई हो ये कौन है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप नाम जान गए हैं तो प्लीज जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब, अब्दुल हादी। अब्दुल हादी के एक बहन भी है, और वो अब्दुल हादी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती है और सिखाती भी, और अब्दुल हादी हमें सिखाता है और बताता भी है। तो हम अब्दुल हादी की बातें सुनेंगे, मैं सुनाऊंगी, आप सुनेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहूंगी कि अब गुजरे थे रमजान, और रमजान कितना बरकत वाला महीना होता है। और अगर आप रमजान में, आपको पता है कि रमजान में क्या नाजिल हुआ? जी बिल्कुल सही जवाब, रमजान में कुरान नाजिल हुआ है। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा से जरूर पूछिएगा, वो आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब्दुल बारी नमाज पढ़कर आ रहा होता है। जैसे कि आपको पता है कि ईद की नमाज तो सभी पढ़ते हैं, वो अब्दुल बारी ईद की नमाज पढ़कर आ ही रहा होता है। अब्दुल बारी घर पे आ जाता है, और हर घर में ईद पे हर घर में शीर कोरमा तो पकता ही है। तो अब्दुल बारी घर में जाके शीर कोरमा खाता है, और फिर अब्दुल बारी बाहर जाके थोड़ा सा सौदा लेकर आता है। और उसकी मम्मा बोलती हैं कि अच्छा तुम्हारा सौदा हो गया ना, तो फिर तुम जाओ बाहर खेलो। तो अब्दुल बारी बाहर खेल रहे होते हैं कि एकदम से वो बेकार बिस्मिल्ला पढ़ के उसको एक चीज मिलती है, चीज लेता है और बेकार बिस्मिल्ला पढ़ के खा लेता है। उसके पेट में दर्द होता है, तो वो अब्दुल बारी फौरन से डर जाता है और बोलता है मम्मा मम्मा देखे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर उसकी मम्मा बोलती हैं कि अंदर तुमने बगैर बिस्मिल्ला पढ़े तो खाया था ना। वो बोलता है हाँ मम्मी, मैंने बगैर बिस्मिल्ला पढ़े खाया था। उसकी मम्मी बोलती हैं तुम बिस्मिल्ला पढ़ के खाओ तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे पेट का दर्द सही कर देंगे। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं बिस्मिल्ला पढ़ के खा लेता हूँ। उसने खा लिया, और फिर ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो फिर इसलिए बोलते हैं कि बिस्मिल्ला पढ़ के सारी चीज़ें खानी पीनी चाहिए। तो अब दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और जिस चीज़ का आपको बहुत वेट था वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब मैं अपनी ईदी गिनाती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी ईदी का लिफाफा, चले इसको खोल के देखते हैं।
दोस्तों गिनते हैं 20, 20, 10, 10, 10, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 100। दोस्तों आपको नहीं पता कि ये ईदी कितनी है, मुझे पता है कि मेरी ईदी कितनी है। मेरी ईदी है 620। और अगर आपकी ईदी मुझसे ज़्यादा है तो प्लीज़ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईदी मुझसे ज़्यादा है कि कम। और अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको ईदी देना, और अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे ईदी देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।